वो शेयर किए जाएंगे तो आप लोगों ने कनेक्टेड रहना है अपने एग्जाम की प्रेपरेशन के हवाले से आ, इस चैनल के साथ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से क्वेश्चंस जो हैं आपके प्रीवियस जो गेस्ट पेपर मैंने शेयर किए थे आपके जो पेपर हूँ आज का था उसमें भी बहुत से क्वेश्चंस उसमें से आए हैं और जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट लॉन्ग बताए थे वो भी उसमें से आए हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी तैयारी हो तो आपने इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करना है और जो गेस्ट पेपर जो आपके साथ शेयर किया जाएगा वहाँ से आप लाजमी इम्पॉटेंट क्वेश्चन को देख लीजिएगा तो स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दैन डू सब्सक्राइब माई

देखते हैं हर चैप्टर से कितने नंबर ऑफ़ एम आते हैं चैप्टर नंबर टेन से वन एम चैप्टर नंबर इलेवन से वन एम चैप्टर नंबर ट्वेल्व से टू एम चैप्टर नंबर थर्टीन से वन एम चैप्टर नंबर फोर्टीन से टू एम चैप्टर नंबर फिफ्टीन से वन एम चैप्टर नंबर सिक्सटीन से टू एम चैप्टर नंबर सेवनटीन से वन एम और चैप्टर नंबर एटीन से भी वन एम तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप अपने एम बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप सारे बुक को थॉरली रीड करें लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है और तैयारी ज़्यादा करनी है और जिन्होंने अच्छी तैयारी इतनी नहीं की हुई तो उन्हें चाहिए कि वो सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज़ के जो हैं वो एम उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो चलें अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं आपके जो शॉर्ट हैं वो Uh, मैंने आपको बताया था एस एल ओ बेस्ड मीन्स आज का भी जो पेपर केमिस्ट्री का आया था उसमें भी आपके टू क्वेश्चन जो हैं वो कॉन्सेपचुअल थे बट वो इतने टफ़ क्वेश्चन नहीं थे हर पार्ट में ईजी थे दोनों टाइम फर्स्ट टाइम भी और सेकेंड टाइम भी तो एनालिटिकल बेस का मीनिंग ये है कि आपकी मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीधी सीधी डेफिनेशंस की बजाय वो थोड़ा सा आपसे कुछ टेबल्स में से या आपके जो टॉपिक है उसके अंदर से कहीं से भी आपसे पूछ सकते हैं ठीक है तो चलें देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू इसमें आपने एट में से फाइव शॉर्ट करने होते हैं और क्वेश्चन नंबर टू में आपके थ्री चैप्टर्स इंक्लूडेड होंगे चैप्टर नंबर टेन थर्टीन एंड फोर्टीन चैप्टर नंबर टेन से थ्री शॉर्ट आएंगे चैप्टर नंबर थर्टीन से थ्री शॉर्ट एंड चैप्टर नंबर फोटीन से टू नंबर ऑफ शॉर्ट कोशनस आप डियर स्टूडेंट्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री इसमें भी आपने एट में से फाइव शॉर्ट करने होते हैं और इसमें आपके थ्री चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं चैप्टर नंबर इलेवन सेवनटीन एंड एटीन इलेवन से आपके टू शॉर्ट आने हैं चैप्टर नंबर सेवनटीन से थ्री और चैप्टर नंबर एटीन से थ्री शॉर्ट आप डियर स्टूडेंट्स लास्ट जो इसका पार्ट है उसको भी देख लेते हैं शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर फोर इसमें भी आपने एट में से फाइव शॉर्ट अटैम्प्ट करने हैं और इसमें भी आपके थ्री चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं दीज आर द चैप्टर नंबर ट्वेल्व फिफ्टीन एंड सिक्सटीन थ्री शॉर्ट आएंगे फिफ्टीन से टू शॉर्ट और सिक्सटीन से थ्री शॉर्ट ठीक है तो आपके साथ ये जो क्वेश्चन कि जो नंबरिंग है ये बताने का मकसद भी यही है कि आपको इससे अंदाज़ा हो जाए कि कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं लाइक क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं तो इसमें आपके अगर आप सेवनटीन एटीन चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका ये पार्ट जो है वो ईज़िली कवर हो जाएगा कि कम टाइम में जिन्होंने बहुत ही तैयारी बिल्कुल आखिरी टाइम पे करनी हो तो उन्हें चाहिए कि वो पेयरिंग स्कीम को लाजमी देखें उससे उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्हें कौन से चैप्टर्स जो हैं वो करने चाहिए शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना पेपर जो है वो जस्ट पासिंग मार्क्स लेने के लिए वैसे तो मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि जस्ट पासिंग मार्क्स लें सबको चाहिए कि वो मैक्सिमम नंबर अटेन करें तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स लास्ट डेज़ में पेपर की तैयारी के हवाले से परेशान होते हैं तो उन्हें चाहिए सबसे पहले पेरिंग स्कीम को लाजमी देख लें तो डियर स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन डिवीजन की जिसमें आपके थ्री जो है लॉन्ग आएंगे उसमें से आपने टू करने हैं तो क्वेश्चन नंबर फाइव इसका ए बी पार्ट इसके लिए आपने थ्री चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है एंड क्वेश्चन अराइज इफ क्वेश्चन हैज़ ओनली टू पार्ट्स then why डू वी प्रिपेयर थ्री चैप्टर्स तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर ये है कि इस दफा मैंने आपको पहले भी बताया था कि एस एल ओ बेस्ड पेपर होने हैं तो हो सकता है कि इन तीन चैप्टर्स में से बोर्ड का पेपर बनाते हुए वो एक को स्किप कर देंगे और दो ले लेंगे फॉर एग्जांपल टेन को स्किप कर दें थर्टीन फोर्टीन एक से थ्योरी और एक से नुमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ जाए लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर फाइव अच्छे से करना चाहते हैं तो आपने उसके लिए इन तीनों चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना अब हम क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं विच इज़ अ पार्ट ए बी और इसके लिए भी आपने थ्री चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं चैप्टर नंबर इलेवन एटीन एंड सेवनटीन और क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए भी आपने थ्री चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं चैप्टर नंबर ट्वेल्व फिफ्टीन एंड सिक्सटीन डियर स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो और आप लोगों ने मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उससे जो है वो लाजमी अपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं देख लेने हैं ताकि आपकी अच्छी सी पेपर की तैयारी हो जाए और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी दैन डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरुसा इरम एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी